रही है आपकी ऑल न्यू बुलेट 350। इसका पहला टेस्ट राइड मेरे को मिल रहा है विशाखापट्टनम में। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको शो करूँगा। एक स्पेशल चेंज जो दिया है बुलेट में वो ये है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया हुआ है। USB पोर्ट भी मिल जाएगा आपको इसमें। बाकी J प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है ये, J सीरीज प्लेटफॉर्म जो रॉयल इनफील्ड का अभी चल रहा है उसी पर बेस्ड है। पीछे अगर आप इसका टायर सेक्शन देखो तो 120x18 इंचेस के दिए हैं इसमें। आगे की बात करूं तो ये 19 इंचेस के हैं, फ्रंट वाले 19 इंचेस हैं, बैक का जो है वो 120x18 इंच का है। और उसके साथ साथ इसमें जो है बोथ चैनल ABS है, डुअल चैनल ABS है दोनों पहियों में। ये मिड वेरिएंट वाला बाइक है इसीलिए आप इसमें देखेंगे फ्रंट में भी डिस्क है, यहाँ फ्रंट में भी डिस्क आपको दिख जाएगा एंड इवन बैक में भी, यहाँ पर भी डिस्क है। तो दोनों तरफ में इसको डिस्क दिया हुआ है। तो बाकी पीछे से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट क्लासिक जैसा ही दिखता है, अब बैक की पता लगेगा। सीट भी अगर आप देखो तो बिल्कुल ही आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट दिया। अब ये मैं चलाने के बाद ही देखूँगा। बैठने के मामले में एक चीज़ तो है, ये बाइक जो है बिल्कुल कम्फर्टेबल कर दी है और पहले वाली बुलेट जैसी नहीं लगती अब, क्योंकि मैं तो स्टैंडर्ड बुलेट भी चलाता हूँ। तो रेडियल डायल्स यहाँ पर दिए हैं और ये भी ऐसा ही है मिरर वगैरह। अब एक चीज़ जो आप लोग सभी मिस करोगे बुलेट में वो है आपका वो जो वाइब्रेशन होता था, अब वो मिस करोगे। ये बाइक मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गियर, लेट्स गो। तो गाइस का पहला टेस्ट राइड ऑन द बुलेट 350 ऑन द न्यू J सीरीज प्लेटफॉर्म। सीटिंग वाइज अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है अब ये बाइक। एंड अगर मैं इसके वाइब्रेशंस की बात करूँ तो रेयरली आई कैन फील एनी वाइब्रेशन। बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है बिकॉज ऑफ द J सीरीज इंजन, उसके वजह से काफ़ी स्मूथ लगती है ये बाइक अभी। एंड थम की बात करूँ तो हेलमेट पहनने के बाद मेरे को क्लियरली इसकी बीटिंग सुनाई देती है, यानी एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी अच्छा हो रखा है। एंड ओवरऑल गाड़ी पकड़ के ऐसे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रहा है अभी, क्योंकि जैसे मुझे क्लासिक में जो फील आता था सेम चीज़ इसमें भी है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप स्टैंडर्ड बुलेट देखें तो बुलेट में जो उसका हैंडल बार है वो थोड़ा अपसाइड रहता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर रहता है, बट इसमें वैसा नहीं है। एंड इजी न्यूट्रल। बाकी हॉर्न अगर मैं आपको चेक करना चाहूँ तो एक बार चेक करता हूँ, तो हॉर्न भी काफ़ी इसमें कम्फर्टेबल है। हॉर्न पिकअप के मामले में भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही स्मूथ पिकअप है। लेकिन इसका जो टॉप एंड है या हाई वैरायटी है ये तो मैं ऊपर फ्लाईओवर पे चला के पता लगेगा। ब्रेकिंग बहुत प्यारी है। इसका सीटिंग पोजीशन एक्चुअली में काफ़ी अलग है, मतलब क्लासिक से भी अलग है। क्लासिक में ऐसा सीटिंग पोजीशन नहीं है, इसमें हैंडल बार जो है ना वो थोड़ा नीचे करके रखा हुआ है, तो शॉर्ट हाइट वाले लोगों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है ये बाइक। दोनों साइड ABS दे रखे हैं फ्रंट एंड बैक, लेकिन सूटेबल नहीं है। लेकिन ये फ्रंट एंड बैक वाले जो दोनों ABS हैं ये मिड वेरिएंट के ऊपर से ही आता है। तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो एक्स शोरूम कुछ 1,70,000 के आसपास है, 1,73,000। मैं पूरा नोट आपको शेयर कर दूँगा अभी स्क्रीन पर, आप देख लोगे। एंड वो आपको जो है ऑन रोड 2,08,000 के आसपास पड़ जाएगा। और जो मिड वेरिएंट है वो 1,98,000 समथिंग का आता है एक्स शोरूम, तो ऑन रोड 2,36 के आसपास पड़ेगा। टॉप एंड तो 250 के ऊपर है ऑन रोड, जो टॉप एंड आता है वो मैट ब्लैक कलर में आता है। बाकी जिन लोगों को क्लासिक ख़रीदना है लेकिन उनको बुलेट भी चाहिए, क्योंकि वो बात होती है ना बुल्ट ले आओ बुल्ट, तो ये वो फील आपको दे देगा क्योंकि ये बिल्कुल बना क्लासिक की तरह। एंड इवन जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंप्लेंट था कि नहीं पीछे का टायर थोड़ा पतला कर रखा है बुलेट में, ग्रिप नहीं बनता सही से, या पीछे वाला टायर मोटा कर दो, तो उन लोगों के लिए ये बहुत सही है क्योंकि पीछे वाला टायर 120 सेक्शन दिया हुआ है। एंड इवन आगे वाला टायर जो है वो पहले 90 आता था, अभी वो भी 100 कर दिया है। बाकी इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो तो काफ़ी सही आ रही है। अब इसका जो है टॉप एंड वगैरह सब पता करेंगे अभी।
लगा था अब इस बुलेट में नहीं है। एंड ब्रेकिंग तो इसके रियली आई एम इम्प्रेस विद द ब्रेकिंग। आई गेस रॉयल एनफील्ड इज वर्किंग ऑन द ब्रेकिंग सिस्टम राइट नाउ। सारे बाइक के ब्रेक बहुत अच्छे कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में मैंने 100/350 का भी टेस्ट राइड लिया था, तो उसका भी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है। एंड स्पेशली इस बाइक की भी अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग सिस्टम से काफ़ी खुश हूँ मैं। बाकी पिकअप के मामले में काफ़ी अच्छा है। इवन जो इसके अर्गोनॉमिक्स हैं या फिर जो मेरा सिटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को इस बाइक पे। टायरिंग नहीं होने वाला ये, अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए इसको लेना चाहते हो बिल्कुल टायरिंग नहीं होने वाला। और बहुत रेस्पॉन्सिव है, इवन थर्ड गियर फोर्थ गियर में भी काफ़ी रेस्पॉन्सिव है ये बाइक, है ना। कोई ईजी रेस्पॉन्स है ये देखिए। अब मेरे को नहीं लगता इस ओवरटेक करने के लिए आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये थर्ड फोर्थ गियर में भी काफ़ी अच्छा पिकअप देता है। प्लस साउंड तो इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रखा है। मैं आपको फिर से इसका एग्जॉस्ट में दोबारा सुना दूंगा। आई होप आप इसका साउंड सुन पा रहे होंगे, एग्जॉस्ट साउंड। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस बाइक को तो मेरे को ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा। अभी आप इसके एर्गोनॉमिक्स देख सकते हैं सामने, बिल्कुल ये ऑल न्यू बुलेट 350 है विद जे सीरीज़ इंजन। एंड जो मिड वेरियंट है उसमें ये क्रोम वाला आएगा, जो साइलेंसर है ये क्रोम साइलेंसर आएगा। लेकिन टॉप एंड में ये पूरा का पूरा जो है मैट कलर रहेगा, मैट फिनिशिंग रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो कलर है, कलर स्कीम्स इसमें टोटल 5 कलर स्कीम्स दिए हैं। बेस मॉडल में 2 कलर दिए हैं, रेड एंड ब्लैक। एंड मिड वेरियंट में एक ये मरून दिया है और एक पता नहीं कोई एक कलर है, एंड वो भी मैं आपको अभी शो कर दूंगा यहाँ पे। एंड टॉप एंड में जो है वो ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन का एक आएगा आपको। एक चीज़ जो आपको कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा, ये जो लाइनिंग है जो कि हैंडमेड होता है, बुलेट की यही पहचान है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा ये लाइनिंग। एंड बाकी जो इंजन है वो मीटियोर का ही इंजन है, जे सीरीज प्लेटफॉर्म का इंजन है। एंड टायर जो है वो सीएट के दिए हुए हैं, इसमें सीएट के टायर आपको मिलेंगे आगे भी और पीछे भी। बाकी बाइक देखने में कुछ ऐसी लगती है यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ सीताराम मोटर्स रॉयल एनफील्ड। तो अगर आप लोग विशाखापट्टनम से हो तो अगर आपको टेस्ट राइड करनी है ये बाइक तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे सीताराम मोटर्स पे आ सकते हो। रॉयल एनफील्ड का शोरूम दोंदपट्टी में है रेलवे स्टेशन के आगे, तो वहाँ पर आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी और आप उसका टेस्ट राइड भी ले सकते हो, यहाँ पर अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब मिलते हैं अगले किसी और बाइक के रिव्यू के साथ। बाकी ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। एंड इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली आप मुझे DM कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ऐसे ही और कंटेंट के लिए। एंड अगर आपको किसी दोस्त वगैरह, आपके कोई दोस्त अगर इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।